Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. We learn English grade 4. I hope you all are doing well. Today we are going to study page number 10. Unit number 2, all about money. Mr. Qureshi. Great. How much money do you want to deposit? Mr. Qureshi. Achha, aap kitni rakam jama karwana chahte hain? अदनान, आई बेग योर पार्डन, माफ़ कीजिएगा. ये इसलिए कह रहा है कि वो कहना चाह रहा है कि मैं आपकी बात नहीं समझा. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आई बेग योर पार्डन, माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं समझा. मिस्टर कुरैशी, आई मीन हाउ मच मनी डू यू वांट टू पुट इन द बैंक. मेरा मतलब है कि आप कितनी रकम बैंक में रखवाना चाहते हैं. अदनान, आई हैव रुपीज़ 2000, मेरे पास 2000 रुपये हैं. मिस्टर कुरैशी, यू आर अ क्लेवर बॉय, आप एक होशियार लड़के हो. If you keep saving, you will be a rich man one day. अगर आप बचत करोगे तो एक दिन अमीर हो अगर आप बचत जारी रखोगे तो एक दिन अमीर हो जाओगे. Here, fill in this application form. इधर ख्वास फॉर्म मुकम्मल कर दो. अदनान, थैंक यू सर, आपका शुक्रिया सर. अदनान's father helps him to fill in the application box. अदनान के वालिद application form फिल करने में उसकी मदद करते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट सेविंग अकाउंट है, इसको आपने भी अपने अकॉर्डिंग फिल करना है. फुल नेम, यहाँ पर आप अपना फुल नेम लिखेंगे. डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिखने का डेट लिखने का पैटर्न ये है. फॉर एग्जांपल अक्टूबर 26, 2020. जेंडर आपने लिखना है, मेल है तो मेल वाले बॉक्स में टिक करेंगे, फ़ीमेल हैं तो फीमेल वाले बॉक्स में टिक करेंगे. क्लास 4. नेशनैलिटी पाकिस्तानी. एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है. टेलीफोन नंबर, यहाँ पर आपने अपने फादर का नंबर लिखना है. नेक्स्ट फादर्स नेम, फादर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करना है. द बैंक मैनेजर गिव्स हिम अ चेक बुक. बैंक मैनेजर उसे एक चेक बुक देता है. मिस्टर कुरैशी, दिस इज़ योर चेक बुक, ये तुम्हारी चेक बुक है. कीप इट सेफली, इसे संभाल कर रखना. You can take out some money whenever you want. तुम कुछ रकम ले सकते हो जब भी तुम्हें चाहिए. Your father will also have to sign on it. तुम्हारे वालिद को भी इस पर दस्तखत करने हैं. अदनान, thank you. आपका शुक्रिया. I only want to deposit money every month. मैं सिर्फ हर महीने कुछ रकम जमा करवाना चाहता हूँ. I am going to save from my pocket money. मैं अपने जेब खर्च में से कुछ रकम बचाने जा रहा हूँ. नेक्स्ट है राइटिंग टाइम, पेज नंबर 11. राइटिंग टाइम, फिल इन द सेविंग अकाउंट फॉर्म विद डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ. आपने ये उन्होंने कहा ये सेविंग अकाउंट फिल करना है अपनी डिटेल्स के बारे में. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अदनान गो टू द बैंक. इसका आंसर है टू ओपन अ स्टूडेंट सेविंग अकाउंट. अदनान बैंक क्यों जाता है? टू ओपन अ स्टूडेंट सेविंग अकाउंट. व्हाई डज अदनान गो टू द बैंक? टू ओपन अ स्टूडेंट सेविंग अकाउंट. क्वेश्चन नंबर टू है हु डज ही मीट एट द बैंक. वो बैंक में किससे मिलता है? He meets to manager at the bank. Who does he meet at the bank? He meets to manager at the bank. Third question है what is the first thing that has to be done to open an account? एक account को खोलने के लिए पहली चीज़ वो क्या पहली चीज़ है जो करनी चाहिए? To fill the application form. इसका answer है to fill the application form. Application form को fill करना. To fill the application form. What is the first thing that has to be done to open an account? To fill the application form. Question number 4 है do you have an account in any bank? Yes, I have. Question number 5 what is the name of your bank? आपके बैंक का नेम क्या है? Allied Bank. Allied, Allied Bank. Allied Bank.
ओके नेक्स्ट है, हेयर इज़ अ पेज फ्रॉम अदनान्स चेक बुक, डू यू नो हाउ टू फिल इट, योर टीचर विल हेल्प यू। इसमें ने कहा है कि अदनान की जो चेक बुक है उसके अंदर से एक पेज है, उसने निकलवाने हैं बैंक से पैसे, तो आप जानते हैं कि आप इसको कैसे फिल करेंगे। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे June 27, 2020, और उसके बाद है पे। पे किसको करना है, जिसको आपने पे करना है उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अदनान लिख दिया हमने यहाँ पर। और नेक्स्ट है रुपीज़, कितने रुपीज़ देने हैं आपने, 5425। यहाँ पर आपने वर्ड्स में लिखने हैं रुपीज़, 5425, और यहाँ पर आपने काउंटिंग में लिखने हैं रुपीज़ 5425। इस तरह हमने इस तरीके से इसको फिल करना है। अपने पेज नंबर 10 की ट्रांसलेशन याद करनी है और अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखनी है, और पेज नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर्स भी याद करके अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखने हैं, और ये फिल करने हैं चेकबुक का पेज और स्टूडेंट सेविंग अकाउंट।